मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षित करने अनेक योजनाएं लागू की हैं। जगह जगह स्कूल और महाविद्यालय खोले हैं, लेकिन नरसिंहपुर जिले का तहसील मुख्यालय तेंदुखेड़ा शासन की कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं से अभी भी अछूता है। ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तेंदुखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जहां पर शासकीय संस्थाओं में ज्यादातर हरिजन आदिवासी छात्राएं अध्ययन करती हैं। करीब 40% छात्राएं यहां रहने की व्यवस्था न होने से, गरीबी और आवागमन की व्यवस्था न होने से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। इस दौरान छात्राओं ने शिकायत की है कि तेंदुखेड़ा में महिला छात्रावास नहीं है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन्होंने प्रशासन से इसकी गुहार लगाई है कि तेंदुखेड़ा में महिला छात्रावास खोला जाए। मैं गांव से आती हूं, जो 5 किलोमीटर दूर है। कभी कभी बस भी नहीं मिलती और तेज बरसात के कारण हम लोगों का पुल भी आ जाता है, और इससे हमारी पढ़ाई मारी जाती है, जिससे हम कम मार्क्स भी ला पाते हैं, और इससे पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, जो हमारे भविष्य को मैं अंधकार ला देती हैं। हमारे गांव में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई इसी कारण नहीं कर पाती, कभी बस के कारण तो कभी पुल आ जाता है, इससे उनकी अधूरी पढ़ाई हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती हैं। हाँ, यदि छात्रावास खुल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो छात्र और छात्राएँ हैं वो यहाँ रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर पूरा माइंड कंसंट्रेट करके अच्छे मार्क्स में पास हो सकते हैं और अपने भविष्य को भी अच्छा सुधार कर सकते हैं। तेंदुखेड़ा से EMS TV के लिए राजेश पटेल की रिपोर्ट।